आज 14 फरवरी 2022 ब्रोस्पेयर मुतहदा अरब अमीरात से आने वाली कुछ अहम तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। हौसी बागियों के अबू धाबी पर हमले, दफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए यूएई ने अमेरिका से फौजी मदद तलब कर ली। एक और मुस्लिम ममालिक में अमरीकी फौज उतर आई। खलीज टाइम्स राय के मुताबिक अबू धाबी अलदफरा में 6 अमेरिकन फाइटर जेट लैंड कर चुके हैं जो कि एयर डिफेंस में यूएई की मदद करेंगे और यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी भी करेंगे। दुबई म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के मुनफरिद शाहकार देखने के लिए बेताब लोग अब ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। म्यूजियम के लिए 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दाखिला मुफ्त होगा। वालदा ने इस ऑफर को खैर मुकदम किया है। म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहा करेगा। टिकट खरीदने के लिए सिया म्यूजियम की ऑफिशियल वेबसाइट www.motf.ae पर ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। आमतौर पर म्यूजियम में माजी की अशिया होती हैं, लेकिन ये म्यूजियम मुस्तकबिल देखने का मौका देगा। मुतहदा अरब अमीरात में कोरोना पाबंदियों में नरमी, 15 फरवरी यही के कल से सिनेमाघरों को मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त होगी, जबकि आने वाले दिनों में सियाहत, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरियों की तादाद के हवाले से आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएंगी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शारजा के मुसाफर से 1.5 किलो आइस हेरोइन बरामद। ASF के मुताबिक नासर नामी मुसाफर शारजा जाने के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। सामान की स्कैनिंग के दौरान मुसाफर के ट्राले बैग को मशकूक करार पाया गया, लिहाजा मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा हेरोइन समेत मजीद कार्रवाई के लिए ANF हकाम के हवाले कर दिया है। मुतहदा अरब अमीरात के लिए 8 ममालिक ने PCR टेस्ट की शर्त को ख़त्म कर दिया। यूएई में कोरोना वायरस में कमी देखते हुए अपने ममालिक में दाखिल होने के लिए 8 ममालिक ने PCR टेस्ट की शर्त को ख़त्म किया है। इन ममालिक में शामिल डेनमार्क, जर्मनी, यूनान, नार्वे, स्विट्ज़रलैंड और तुर्की शामिल हैं। 10 साल के बाद तुर्की सदर तैयब उर्दोगान का मुतहदा अरब अमीरात में दौरा। तैयब उर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्हें अबू धाबी वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान ने रिसीव किया। इस दौरे का मकसद तुर्की में इन्वेस्ट होने वाले $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट फंड पर साइन करना है। मुतहदा अरब अमीरात में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हैं। यूएई में आज 1191 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि सेहत याब होने वालों की तादाद 2713। इसी तरह आज के दिन 2 अमवात हो चुकी हैं, जबकि कुल एक्टिव केसेस की तादाद कम होते हुए 63,519 रह चुकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। यूएई की हर ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।